हैं वो शायद इसमें बहुत इन्वॉल्व हैं और वो भ्रष्टाचारी साबित हो चुका है। सारा एविडेंस सारा उनका स्थान जेल में है, तो उनको जेल में रहना चाहिए, ना कि बीएचयू जैसी बड़ी संस्थाओं में होना चाहिए उनको, तो हम उनकी ईंट से ईंट बजा देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं महाखबर। मैं बीएचयू में मौजूद हूँ और यहाँ ओम शंकर जी जो है चिकित्सक है, वो अपने ही संस्थान में आंदोलन पर बैठे हैं और उनके आंदोलन में समर्थन करने कुछ लोग आए हैं, ट्रांसजेंडर हैं। इनसे बात करके समझने की कोशिश करते हैं कि ये सर के समर्थन में क्यों आई हैं। जी आप बताएं, समर्थन में सर के आने के पीछे क्या रीजन है? रीजन ये है कि हम खुद एक समाज सेविका हैं, ठीक है जी? और वो समाज के लिए लड़ रहे हैं, तो इसलिए हम लोग उनके साथ हैं जी। और जब तक उनका ये मनोकामना पूरा नहीं होगा, तब तक उनके साथ कंधे से कंधा मिला के हम लोग खड़े रहेंगे, क्योंकि वो एक समाज का काम कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात है ये जी। एक डॉक्टर होते हुए उन्होंने समाज के लिए लड़ाई लड़ी, इसलिए हम लोग उनके साथ हैं जी। आप बताएं। मैं शिवानी जिशानी बनारस से। जैसे कि डॉक्टर ओम शंकर जी आज 14 दिन 11 मई से वो धरने पर बैठे हैं। बीएचयू के अंदर जो धांधली चल रही है, जो काला बाजारी चल रही है, इसको लेकर वो अनशन पर बैठे हैं। और उनका अनशन पर बैठना बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि वो गरीबों के मसीहा हैं और गरीबों के लिए वो बैठे हैं। इसमें उनका कोई निजी फ़ायदा नहीं है, कोई निजी लाभ नहीं है। वो हम जैसे समाज के लोगों के, जो हम आज पेशेंट हैं, मरीज़ हैं, हमको जो सरकार की तरफ से सुविधाएं मिलनी चाहिए, जो हमारा बजट आता है स्वास्थ्य के नाम पर, यहाँ पर जो के गुप्ता हैं वो शायद इसमें बहुत इन्वॉल्व हैं और वो भ्रष्टाचारी साबित हो चुका है। सारा एविडेंस सारा सबूत डॉक्टर ओम शंकर जी के पास है। अभी आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से हो सकता है दिखाया भी जाए, तो ये साबित हो चुका है कि वो भ्रष्टाचारी है। और आज हम लोग के गुप्ता के पास गए भी थे, लेकिन हमसे उनकी मुलाकात नहीं हुई। हम सारा किन्नर समाज, हमारा सारा जो समाज है किन्नर का, वो डॉक्टर ओम शंकर जी के साथ कंधे से कंधा मिला के, जैसे अभी हमारे गुरु ने बोला कि हम मरते दम तक उनके साथ हैं। और जो भी इसमें इन्वॉल्व है उसको सरकार के तरफ से दंडनात्मक, उसकी निष्पक्ष जांच कराई जाए। जांच होने के बाद जो भी कार्रवाई दंडनात्मक होती है उसको दंडित किया जाए। और जैसे कि उनका स्थान जेल में है, तो उनको जेल में रहना चाहिए, ना कि बीएचयू जैसी बड़ी संस्थाओं में होना चाहिए उनको। और एक आपके माध्यम से मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि अगर हमारे डॉक्टर ओम शंकर जी को कोई भी परेशानी होती है, कोई भी दिक्कत होती है, चाहे वो के गुप्ता के तरफ से होता है, चाहे वीसी सुधीर जैन जी की तरफ से भी होता है, तो हम उनकी ईंट से ईंट बजा देंगे। अब हमारा किन्नर समाज भी इस जंग में उनके साथ है। ये लड़ाई अकेले ओम शंकर जी की नहीं है, ये पूरे समाज की लड़ाई है। और हम इस समाज की लड़ाई में, हमारा समाज भी डॉक्टर ओम शंकर जी के साथ है। धन्यवाद। आप कोमल जी हमारे कुछ कहना चाहती हैं? जी कोमल जी, क्या? के गुप्ता हाय हाय, के गुप्ता हाय हाय, के गुप्ता हाय। हम सारे किन्नर समाज के लोग, हम एक हो के आज हम डॉक्टर साहब के साथ मिलके, आज हम जो दुश्मन हैं, जो इन चीज़ों के लिए इन्वॉल्व कर रहे हैं, जो गलत के लिए, तो हम उनके लिए लड़ाई लड़ेंगे। और हमारे डॉक्टर साहब को यदि कुछ भी होता है तो हमारे तरफ से हाय 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 हाय, के गुप्ता हाय हाय, के गुप्ता हाय हाय। ठीक है जी, आप कुछ कहेंगे? हम चाह रहे हैं कि जो हमारे डॉक्टर साहब ओम शंकर जो ये लड़ाई लड़ रहे हैं, वो अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, हमारे समाज के लिए, असहायों के लिए लड़ रहे हैं, तो उनके साथ हम कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं, ठीक है। और रही बात, उनका कोई स्वार्थ नहीं है। एक डॉक्टर अगर किसी दूसरे डॉक्टर के अगर विपक्ष में अगर कोई एक्शन ले रहा है, तो इसका कोई बहुत बड़ा रीजन होगा, ठीक है। तो हम अपने समाज से ये अनुरोध कर रहे हैं कि इन चीज़ों का विरोध करें और हमारे डॉक्टर ओम शंकर जी का सपोर्ट करें। और रह गई बात, हम उन तक ये बात हमारी पहुंचा दीजिए, अगर कल को जिनके वजह से अगर हमारे डॉक्टर साहब को अगर कुछ होता है तो इनका अंजाम बहुत बुरा होगा। ये आप देख रहे थे, ये ट्रांसजेंडर लोग हैं जो सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। इनका साफ कहना था कि अगर ओम शंकर जी को किसी तरीके से किसी तरह की परेशानी होती है तो ये ईंट से ईंट बजा देंगे। और ये पूरे आंदोलन में ओम शंकर जी के साथ हाथ से हाथ, कंधा से कंधा मिलाकर खड़ी रहेंगे। आप बने रहें महाखबर के साथ। मैं सुधाकर सिंह, धन्यवाद।